मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र के मोहसिनपुर में पसवाड़ा पेपर मिल में काम कर रहा कर्मचारी पिंटू अचानक पेपर मशीन की चपेट में आ गया। मशीन की चपेट में आने से पिंटू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ही पेपर मिल के कर्मचारियों ने एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहां के कर्मचारियों का कहना है कि आए दिन इस मिल में इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने शव को लाकर पसवाड़ा पेपर मिल के गेट के बाहर रख दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। मृतक के परिजनों की मांग है कि मृतक के परिजन को उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को पेपर मिल में नौकरी दी जाए, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण आराम से हो सके। वहीं पसवाड़ा पेपर मिल के मालिक ने मृतक के परिजनों को मिल के अंदर तक नहीं घुसने दिया और गेट बंद करा दिया। मृतक के परिजन और आक्रोशित हो गए और जमकर हंगामा किया। रोल भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसराइल है। मेरे पिताजी का नाम है अलाउद्दीन, गांव जिगौली, तहसील अखरौली, थाना दादों, जिला अलीगढ़। थाना जिगौली इस पथवाड़ा हॉस्पिटल में मेरा हाथ कटा था, तो मैंने इन्हें इलाज कराया। मेरा इलाज कराने के बावजूद मुझे भगा दिया इन्होंने कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा, 2000 रुपये लेकर भगा दिया। कितने समय पहले हाथ कटा था? मेरा 4 महीने पहले हाथ कटा था। मैंने ये दिन पहले काम किया था इसमें और 4 महीने हो गए। 4 महीने से मुझे घर से बुलाते हैं, चलो जाओ क्या आए हो, गार्ड भी नहीं घुसने देते इस मिल में। अब 1 रुपया नहीं दे रहे फिलहाल। कितने समय पहले हाथ कटा था आपने? मेरा 4 महीने पहले हाथ कटा था, 5वां महीना चल रहा है ड्यूटी लगे हुए इसमें। तो अभी हाल फिलहाल में यही जॉब कर रहे हो? कोई बात नहीं, नहीं गाँव भगा दे लोगे, गाँव भाग जाओ क्या करोगे। ये मोहसिन जी का बेटा है, पिंटू नौकरी करता था इस पेपर मिल में, और वो सुबह 6 से 2 वाली शिफ्ट जो चलती है उसमें ड्यूटी आया था, तो उसमें आकर उसके साथ दुर्घटना हो गई। दुर्घटना होने के बाद ना परिजन को बताया गया, ना किसी मिलने वाले को बताया गया। जो उसके गांव के लड़के और काम करते थे उन्होंने सूचना दी गांव में कि कोई दुर्घटना हो गई है, और ये भी नहीं बताया इन्हीं का बेटा है, ये बताया कि कोई डिमोली का लड़का था, उसके साथ दुर्घटना। गाँव के लोग यहाँ आए, चूँकि पड़ोस में मेरा मकान है तो मैं भी आया, पता चला कि इनका बेटा पिंटू है और वो एक्सपायर। कैसे पता चला किस बात को इस तरह उनकी? वो मशीन है एक रिमाइंडर मशीन है जिसमें पेपर रोल होता है, वो उसमें चला गया था, उसमें आ गया था। तो ये सूचना आपको किसने दी थी? गांव के लड़के जो अंदर काम करते हैं। इसमें फैक्ट्री मालिक का सर क्या कहना है? फैक्ट्री मालिक तो बात ही नहीं कर रहा, हम लोग यहाँ 3-4 घंटे से बैठे हुए हैं। कितने दिन से काम कर रहा था यहाँ पे? ये 5-6 महीने से काम करता लड़का। 8 महीने से। अब वो जैसे SDM आई हुई है तो SDM ने क्या कहा है आप लोगों को? SDM साहिब आई हुई है, वो मालिक को बुला रही है, वो तो अभी कुछ ना तो मालिक ही आ रहा है ना कोई रेस्पॉन्स मिल रहा, और यहाँ तो इनकी गुंडागर्दी चल रही है पेपर मिल। सुनने भैया जी, यहाँ पसवाड़ा पेपर मिल में एक हादसा हुआ, एक हमारे बीच का भाई 27 सद्दीमुल्ली गांव का रहने वाला, हादसे में जरा एक्सपायर हो गया। उसके बाद में यहाँ के हम क्षेत्र के लोग आए, हमारा इससे जो है मामला समझौता हुआ। अब क्या समझौता हुआ इससे? समझौता ये हुआ कि 16-17 हज़ार की तो पेंशन दे गए हर महीने, और 7-7 लाख रुपये की आर्थिक एक मुश्त किस्त देने के लिए। अच्छा, यहाँ जो ग्रामीण इकट्ठा हुए सुबह से बैठे हुए, इनका कहना है कि आए दिन हादसे होते रहते हैं, ये 6 माह में लगभग 2री मौत है और 1 महीने में 3 अपंग हो चुके हैं। इसके लिए भी हमने बात करी है, इसके बाद में हम पूरे क्षेत्र को लेकर दोबारा इसमें चर्चा करेंगे बैठ के, जो भी निर्णय लेंगे क्षेत्रवासी इसका आंदोलन करेंगे तकड़ा करेंगे।